हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैक्स किचन। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मेरी आज की रेसिपी दही तड़का है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में कोई सब्जी नहीं होती या फिर अगर हो भी तो खाने का मन नहीं करता, तब आप ये रेसिपी बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए देखते हैं दही तड़का या दही की सब्जी बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। 2 कप दही, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटी चम्मच ग्रेटेड जिंजर, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, इससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सूखा धनिया, 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए दही तड़का बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम करें और उसमें रिफाइंड ऑयल डालें। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने पर उसमें सूखी लाल मिर्च डालें। अब इसमें जीरा, सूखा धनिया और मेथी दाना तीनों डाल के इसको 20 से 30 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। गैस को लो पर ही रखें। अब इसमें अदरक डालेंगे और उसको भी 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अदरक के फ्राई होने के बाद इसमें अनियन डालें और इनको थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएं। प्याज हमारा भुन गया है। अब इसमें बाकी के मसाले और हरी मिर्ची डाल के उनको भी 10 से 20 सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें दही डालेंगे। दही डालते टाइम आपकी गैस लो पे होनी चाहिए। अगर आपकी गैस हाई पर हुई तो दही फट जाएगा। दही डालने के बाद तुरंत इसे मिक्स करें। दही हमारा तड़के के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमें इसको पकाना नहीं है, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। बहुत ही टेस्टी दही तड़का की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।